स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो कोई अपलोड करूं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुपू सुरंग की आधारशिला रखी। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचुपू सुरंग की आधारशिला रखी। यह सुरंग 450 मीटर लंबी है। दो लेन वाली यह सुरंग नेचुपू पास में सभी मौसम में कनेक्टिविटी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। इसी दिन रक्षा मंत्री ने 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में निर्मित 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इन पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया। एक ही बार में 44 पुलों का समर्पित किया जाना एक रिकॉर्ड है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक विभिन्न आकार के ये 44 पुल जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख 8, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8, सिक्किम 4। ये पुल सीमा क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य यातायात की भारी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु डिजाइन किए गए हैं। प्रश्न अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में जंगली हाथियों को सुरक्षित करने के लिए WWF इंडिया और पेनोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन ने साझेदारी करने का निर्णय लिया? ए गुजरात, बी केरल, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आसाम। 13 अक्टूबर 2020 को पेनोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन और WWF इंडिया ने असम में जंगली हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए साझेदारी करने का निर्णय लिया है। पेनोड रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन तथा WWF इंडिया का लक्ष्य असम में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन के माध्यम से एशियाई हाथी का संरक्षण करना है। यह परियोजना असम राज्य के कामरूप, सोनितपुर, विश्वनाथ तथा नागागांव जिलों के 150 गांवों में काम करेगी। यह परियोजना समुदाय के सदस्य को प्रभावित स्थिति प्रबंधन पर एक टूल किट विकसित करने तथा एंटी डिप्रेशन स्क्वाड का गठन करके उन्हें अपनी संपत्ति, फसलों तथा जीवन की रक्षा करने में मदद करेगा। प्रबंधन पर WWF इंडिया के अनुभव का निर्माण करेगी। हाल ही में प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछले 46 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 68% की गिरावट दर्ज की गई है। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।